Hello students, welcome to the third class on economic survey volume 1. Now this is a very interesting chapter. In this chapter we will be analyzing about the growth rate of India. Primarily in this chapter we will be analyzing why India has not been able to reach to the double digit as far as the growth rate of India is concerned. हम उस ग्रोथ रेट को क्यों अचीव नहीं कर पाए हैं, डबल डिजिट ग्रोथ रेट को, 10% ऑफ द जीडीपी, 9% ऑफ द जीडीपी, वो हम उसको सस्टेन क्यों नहीं कर पाए हैं. सो दिस इज व्हाट दिस एंटायर चैप्टर इज अबाउट. सो ब्रॉडली वी विल बी डिस्कसिंग थ्री थिंग्स इन दिस चैप्टर. द फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट in any economy. Secondly, we'll be analyzing another important thing, that is how saving and investment has unfolded in India. Thirdly, we will be analyzing what India need to do in order to achieve higher growth rate. तो तीन चीजें हैं जो हम जिन चीजों को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और जो भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है. बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है किसी भी देश का ग्रोथ रेट. अगर किसी देश का ग्रोथ रेट कम हो रहा है उसका मीनिंग ये है कि सरकार के पास अपॉर्चुनिटी कम होता जा रहा है देश को बेहतर बनाने के लिए. वी विल नॉट बी एबल टू एंजेंडर अ सिचुएशन वेयर बाय वी कैन ऑफर सोशल बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, वेयर बाय वी कैन क्रिएट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और वी कैन क्रिएट बेटर सर्विसेज फॉर द सिटीजनरी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया टू हैव अ हायर ग्रोथ रेट. But of late, what we are witnessing, that is from year 2012 onwards in India, we are witnessing a slowdown in the economy. The economy is not showing the result that is expected out of it. Hamara desh bahut tezi se aage nahi badh raha hai. Hamara growth rate kam ho gaya hai. Aur jo hume lagta tha ki hamare desh mein bahut potential hai and we will be able to touch 10% of the growth rate, वो हम उस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. इस तरह का परसेप्शन बिल्डअप हो गया है अबाउट इंडियन इकॉनमी. नाउ दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन, बट इकॉनमी डजंट रन ऑन परसेप्शंस. जिस तरह आप इकॉनमी के बारे में सोचते हैं उस तरह इकॉनमी नहीं चलता है. इकॉनमी के कुछ फंडामेंटल्स रहते हैं, कुछ रूट्स रहते हैं, कुछ कंटूर्स रहते हैं. उन कंटूर्स के अकॉर्डिंग ही किसी देश का इकॉनमी रन होता है. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कंटूर जो हैं हमारे पास, द फर्स्ट कंटूर दैट वी हैव इज सेविंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेविंग मस्ट बी हाई फॉर एनी कंट्री इफ वी वांट दैट कंट्री टू अचीव हायर ग्रोथ रेट. अभी सेविंग क्यों इंपॉर्टेंट है? नाउ सेविंग का बेसिकली मतलब क्या है? नाउ सेविंग मीन्स दैट द पीपल विल बी इन्वेस्टिंग देयर मनी विद द बैंक्स. Saving means that the people will have that money in the invested form with the banks. Now, when the banks will have the money, when the people will be saving their money with the banks will have the money with them, which they can lend it to the people who actually want to invest to set up certain infrastructure, certain projects, etc. So, jab saving rate kisi bhi economy ka zyada hota hai, तो उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि अब जो भी पैसा सेव हो रहा है वो पैसा आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो. तो सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जो है इशू, इट इज एक्चुअली इंटरलिंक्ड, इट इज एक्चुअली कंबाइंड. सो इफ यू विल नॉट हैव अ गुड सेविंग रेट, इट विल मीन दैट यू विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट बिकॉज यू विल नॉट हैव द कैपिटल, यू विल नॉट हैव द फाइनेंस, you will not have the capacity. So it is very important that the saving and the investment,
they must be very high. The very high means for a country like India, we need it in the range of 35%. Now, if the saving will be 35% of the GDP and the investment will be 35% of the GDP, in that case, we can project that a country like India will be able to grow to the level of 9% or 10%. And this is a very good growth rate. With such kind of a growth rate, we can fight lot of menaces. सबसे बहुत जो चीजें हमारे देश को खा रही हैं उन चीजों से हम फाइट कर सकते हैं अगर हमारा इन्वेस्टमेंट रेशो और हमारा सेविंग दोनों बढ़ जाता है. अगर सेविंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर पैसा लेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करेगा, बहुत लोगों को नौकरियां मिलेगा, बहुत लोगों को नौकरी मिलेगा, तो देश का जो पॉवर्टी का इशू है, इनइक्वालिटी का इशू है, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, वो सारे इशू हम फाइट कर सकते हैं अगर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट सही है. नाउ इस चैप्टर में, इकोनॉमिक सर्वे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज का एनालिसिस किया गया है. नाउ अगर 90s का अगर हम ग्राफ देखते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, आप भी देखिए उस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो. अगर आप 90s का ग्राफ देखते हैं, 80s और 70s का ग्राफ देखते हैं, जो ग्रोथ है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इंडिया में अगर देखा जाए, अगर ये 70s लगा लें, अगर ये 80s लगा लें और ये 90s लगा लें और ये 2000 लगा लें और यहाँ पे हम फिगर 20 का रख लें, यहाँ पे 30 का रख लें, बेसिकली जो ग्रोथ हुआ है इन्वेस्टमेंट में और सेविंग में वो 20% के 26-27% के आसपास रहता था, अगर यहाँ पे 26 लिख लें तो इतना हमारा ग्रोथ रेट यहाँ से 20 से लेके ये डेवलप रहा 70s, 80s और 90s. सडनली एक जंप मिल गया इंडियन इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ गया, एकदम से 35-36 10% का जंप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आ गया जब हम 2000 में पहुंचे. 21st सेंचुरी में आते ही बिगिनिंग में हमारी इकोनॉमी को यह बहुत बड़ा जंप मिल गया. अब इस साल का इकोनॉमिक सर्वे यह कहता है कि ये जो जंप है मिला इंडियन इकोनॉमी को, ये एक एबरेशन था, ये कुछ गलत चीजों की वजह से ये जंप मिल गया, हमारा इतना औकात नहीं था हमारी इंडियन इकोनॉमी का. दिस वॉज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. सो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली लैग्ड इन द सब्सटेंस. सो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे हैज टू से. बट इकोनॉमिक सर्वे हैज नॉट पुट फॉरवर्ड एनी काइंड ऑफ रीजन, इट हैज नॉट डेल्ड इन एनी टाइप ऑफ रीजन व्हाई दिस एबरेशन टुक प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी. इस चीज के साथ कुछ भी डील नहीं किया इकोनॉमिक सर्वे ने. ये नहीं बताया है कि जो वो कह रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग 21वीं सदी के 10 सालों में बहुत बढ़ गया और गलत रास्ते पर चलना शुरू हो गया. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से जो हमारे ग्रोथ रेट अचीव हुए वो सस्टेनेबल नहीं थे. कहने का बेसिकली क्या मतलब है कि 10% बढ़ गया इन्वेस्टमेंट और 10% इन्वेस्टमेंट बढ़ गया. कहने का मतलब यह है कि भावनात्मक हो गया हमारा इकोनॉमी, कि जो उसका फंडामेंटल था, जो उसका फाउंडेशन था, जो उसका रूट था, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ ग्रोथ था, उस कोर्स से हटके बहुत ज्यादा हो गया और ये एक फ्लूक था, इसको कम होना ही होना था. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि जो इकोनॉमी है हमारा, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्यों फ्लूक है. तो सिर्फ इसी चीज का एनालिसिस बहुत कम है इकोनॉमिक सर्वे में. बट ये तो बताया है कि जो आज की डेट में चल रहा है, आज की डेट में हमारे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और हमारा सेविंग है, दोबारा फिर वो धीरे 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 करके वापस आ रहा है. पिछले 5 साल से अगर हम देखते हैं, फ्रॉम 5 years इफ वी एनालाइज द ग्रोथ रेट, द स्लो डाउन इन द सेविंग एंड द स्लो डाउन इन द इन्वेस्टमेंट, वो पिछले सालों में, कुछ कुछ सालों में तो 2% रहा है 11-12-13 में, और कई बार ये 3% भी कम हो गया है, और कुछ ईयर में तो ये 4% भी कम हो गया है 14-15 में अगर देखा जाए. तो एक चार्ट दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में कि स्लो डाउन कैसे हुआ है. स्लो डाउन किस में? सेविंग में स्लो डाउन हो गया, स्लो डाउन इन्वेस्टमेंट में हो गया.
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आज हम उस फेस में फंसे हुए हैं हिंदुस्तान के इकोनॉमी में, जहां पे ना तो लोग सेव कर पा रहे हैं और ना ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और एक और कारण दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो सेविंग रेट है वो बेसिकली क्यों कम हो गया, उसके पीछे कम होने का क्या कारण है। सबसे पहला कारण तो जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि सेविंग इस वजह से कम हो गया कि लोगों ने आज बैंकों में सेविंग नहीं कर रहे हैं, शेयर में और डिबेंचर में लगा रहे हैं पैसा। और उस तरह का पैसा जा तो इन्वेस्टमेंट में ही रहा है, बट जिस तरह से हम सेविंग को डिफाइन करते हैं उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो सेविंग नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग हो रहा है बट सेविंग है नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं सेविंग को, वो उस पैरामीटर्स में हम उसको होलिस्टिकली नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम नैरो पर्सपेक्टिव से उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए 21st सेंचुरी के 10 साल पहले 10 सालों में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, जो सेविंग हुआ है, ये बहुत ज्यादा हुआ। 10% का एकदम से जंप मिल गया इंडियन इकोनॉमी को। अब वो धीरे 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 अपने नॉर्मल पाथ पे आ रहा है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कम होना शुरू हो गया है। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा, जो आपके एवेन्यूज हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो भी क्या कर जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, आपका पॉवर्टी या फाइट नहीं कर पाओगे, आप इन इक्वालिटी फाइट नहीं कर पाओगे, आप बहुत घर नहीं बना पाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो ग्रोथ रेट कम हो रहा है। कम ग्रोथ रेट से प्रॉस्पेरिटी कम होना शुरू हो जाता है। नाउ दो चीजें हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। क्या हमें बहुत ज्यादा वरी कर लेना चाहिए कि हम स्लो डाउन में जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट में भी और सेविंग में भी। इकोनॉमिक सर्वे एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या किया है कंपैरेटिव एनालिसिस, इट इज कंपेयर्ड इंडिया विद न्यूमरस अदर कंट्रीज, एशियान के साथ कंपैरिजन किया है एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ कंपैरिजन किया, साउथ अमेरिका के साथ कॉन्टिनेंट के साथ कंपैरिजन किया है। तो बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस से यह पता लगता है कि यह जरूरी नहीं है कि अगर किसी देश का स्लो डाउन चल रहा है, क्या चल रहा है, स्लो डाउन किस में, इन्वेस्टमेंट में, और स्लो डाउन किस में चल रहा है, सेविंग में, अगर स्लो डाउन चल रहा है, दैट इट विल नॉट बी एबल टू अचीव हायर ग्रोथ रेट्स। इवन ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनका बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस 90s में हो गया है, उनका भी स्लो डाउन सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आ गया था, बट वो बाद में पिकअप कर गया। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रीज जो स्लो हो रहे हैं वो कभी भी ग्रोथ रेट में नहीं आ पाएंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे इकोनॉमीज फॉर लॉन्ग टर्म। बट इंडिया का केस बहुत ही ज्यादा यूनिक केस बन चुका है। तो किस तरह यूनिक केस बन चुका है, एक तो जनरली स्लो डाउन इतना प्रलॉन्ग नहीं रहता है जिस तरह हमारा स्लो डाउन चल रहा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इनटू 4th ईयर ऑफ स्लो डाउन इन सेविंग एंड इकोनॉमी, वेयर बाय वी आर टचिंग जस्ट द 25%। सो इन द 2010 and 11 वी वर हैविंग 35% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेविंग, दैट हैज कम डाउन बाय 10%। तो 10% कम हो गया है, सेविंग भी कम हो गया है और इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। बट देर इज अ वेरी यूनिक पेकुलियरिटी अबाउट इंडिया। अब हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में आज की डेट में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा TBS का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम यह है कि एक तो बैंक क्रेडिट देने को रेडी नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम जो चल रहा है हमारा कॉरपोरेट सेक्टर वो लोन वापस नहीं कर पा रहा बैंक्स को, तो उसी की वजह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा स्लो डाउन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस शीट इशू। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो स्लो डाउन हुआ है इन्वेस्टमेंट में, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन हो गया बट हमारा जो बैलेंस शीट है वो बहुत खराब हो चुका है, बैंकों का भी खराब हो चुका है, कॉरपोरेट सेक्टर का भी खराब हो चुका है। बिकॉज ये बैलेंस शीट खराब हो चुका है, उसी की वजह से अब हमारा जो देश है वो ग्रोथ के ऊपर नहीं आ पा रहा है, ग्रोथ रेट एक्चुअली स्लो हो गया क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं कर पा रहा है। अब दो चीजें हैं, इंडिया कैसे कंजक्चर के ऊपर खड़ा है कि हिंदुस्तान को कैसी पॉलिसीज चाहिए ग्रोथ रेट को जंप करने के लिए।
मैंने आपको दो रिक्वायरमेंट बताया इस चैप्टर के शुरुआत में. पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सेविंग एंड देन वी नीड इन्वेस्टमेंट. अब हमें सेविंग के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अब हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए ना. पहले अगर हम सेविंग रिलेटेड पॉलिसीज को प्रमोट करेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कि देन दैट दे विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट. सो प्रेजेंटली इंडिया शुड डायरेक्टली फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज, क्योंकि वहां पे लैग नहीं है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इकोनॉमिक सर्वे में जो एनालिसिस किया गया है वो ये एनालिसिस किया गया है कि हमें ज्यादातर आज की डेट में फोकस इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के ऊपर करना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया प्रोग्राम, FDI को इन्वाइट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. तो उसके लिए बैंकों को भी रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, हमें बैंकों को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा. जितना भी बैंकों को घाटा हो गया है उस सब घाटे को गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उसको पूरा करना पड़ेगा. क्या गवर्नमेंट को ये पूरा करना चाहिए, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन अ चैप्टर. वी विल बी एनालाइजिंग द चैलेंजेस ऑफ फिस्कल प्रूडेंस विद विजर्वस द चैलेंजेस ऑफ पॉपुलिज्म. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्नड अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन विच वी हैव लर्नड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एन एबरेशन इन द इंडियन इकॉनमी, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट दिस फिनोमेना इज नॉट पेक्यूलियर ओनली टू इंडिया बट दिस हैज हैपेंड इवन इन कंट्रीज लाइक ईस्ट एशियन कंट्रीज नाउ विच आर एक्चुअली हैविंग अ गुड ग्रोथ रेट. बट फॉर इंडिया दिस स्लो डाउन इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इट इज गेटिंग रियली प्रोलॉन्ग्ड. And we are touching the thresholds of even 4%. And there has been common years whereby even the saving is also going down and investment is also going down. Agar saving aur investment ko parallelly observe kiya jaye, duniya bhar mein jo economic survey ne observe kiya hai, 55 deshon ka analysis kiya hai economic survey ne. Bahut zyada time pe agar dekha jaye to investment zyada fall karta in comparison to saving. बट अगर हमें इंडिया को पुश देना है तो हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा. सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नेम ऑफ द चैनल इज ब्रेनी आईएएस. सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.